संक्षेप में परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एम के कौशल, बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोपागंज मऊ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो डायबिटीज़ जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, जो हमारे खान पान रहन सहन की जो विकृतियाँ हो जाती हैं उसके कारण डायबिटीज़ उत्पन्न होता है। चाहे मॉडर्न भी इस बात को मानता है, आदमी वर्क न करना, खाए केवल खा करके सोए, वर्क न करे, तो जितना हम वर्क नहीं करेंगे फैट कलेक्शन होगा तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, और वो तरह के आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा, पैंक्रियाज के इफेक्ट करेगा, तमाम तरह के सिस्टम गड़बड़ होंगे, तो फिर ये धीरे धीरे एक प्रकार की बीमारी का रूप ले लेता है। और जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि आस्यम सुखम स्वप्न सुखम दधि आनूप मांस रसांसिक, तो मतलब कि अगर हम जितने भी कफवर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे, जैसे दही हो, कहा गया कि रात में दही नहीं खाना, आपने दही खा लिया, कॉन्स्टिपेशन बना, आपको भोजन ढंग से पाचन नहीं हुआ, सार्किट का विभाजन नहीं हुआ, पता नहीं, तो हम प्रॉपर में हमने जो चीज़ें हमको अवशोषित होनी चाहिए आंत के द्वारा वो अवशोषण नहीं हुआ, लेकिन टॉक्सिन्स का शरीर में ज़्यादा अवशोषण हो गया, तो वो एक नई तरह की बीमारी को उत्पन्न करती हैं। डायबिटीज का लक्षण क्या है? देखिए, डायबिटीज का लक्षण अगर हम देखा जाए तो बार बार पेशेंट कहता है कि मुझे पेशाब की शिकायत हो रही है, वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, खाना खाने के बाद तो उनका कहेगा कि मुझे भूख लग रही है, पूरे शरीर में उसके दर्द होना, काम करने की इच्छा ना होना, सुस्ती भी रहना, और पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा, दिन हो चाहे रात हो, पेशेंट हमेशा पेशाब करने को जाता है। इसका उपचार क्या है? आज तो मॉडर्न एरा है, तमाम तरह के मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन हम तो आज बात करेंगे आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में। अगर हम आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हम पहले तो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, अपने रहन सहन खान पान को मेंटेन करें, तो उससे भी हद तक हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसका हम उपयोग करें, जैसे वसंत कुसुमा का रस है, स्वर्णयुक्त है, चंद्रप्रभावटी है, और भी क्लासिकल प्रिपरेशन है जिनका हम यूज करेंगे तो डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, डायबिटीज़ हो गई, हमने जाकर ब्लड चेक करा लिया, ब्लड शुगर देख लो, फास्टिंग पीपी हमने देख लिया, उसके आधार पर हम डायबिटीज़ का दवा लें तो ये भी सही नहीं है। तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे मतलब तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशंस हैं, जाँचें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जाँचें हैं, उनको कराने के बाद अगर आपके ब्लड में है कि शुगर की मात्रा है तो ही आप शुगर की दवा खाइए, मधुमेह की दवा खाइए, अन्यथा मत खाइए, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। और मैं तो कहूँगा कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन शिफ्ट करिए, जो अगर आपका शुगर 500 है, 400 है, जो घट नहीं रहा है, निश्चित वो नॉर्मल लेवल पे आएगा, ये मेरा मानना है। बीपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति बीपी से परेशान है, इसका मुख्य कारण है तनाव, इसमें भी तनाव और लाइफ स्टाइल डिजीज, इसको भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो आज की जो भागम भाग जिंदगी है, न व्यक्ति को खाने की चिंता है, न सोने की चिंता है, बस काम 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 काम, इसकी हाँ, इसका लक्षण क्या है? बीपी के बहुत लक्षण हैं, बीपी अगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है नॉर्मल लेन से, गवर्नमेंट ने माना 120-80, अब तो नया आया है 130-90, अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी आपके, आपको कार्डियक प्रॉब्लम होगी, हार्ट डिजीज हो जाएंगी, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी बीपी बढ़ने से। जैसे लोग कहते हैं कि दवा खाने से जी डेली दवा खाना पड़ता है, ऐसा क्या है? नहीं देखिए, मैं तो ये बोला आपको ना, कितना जो हम लोग की भागम भाग जिंदगी है, अगर इसमें अगर हम ठहराव लाएं, अपने आप को कंट्रोल करें, तो ऐसा नहीं कि आप बीपी की दवा खाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आयुर्वेद में तो है, आइए हम कहते तो हैं आयुर्वेद में, हमारे पंचकर्म है, हम पंचकर्म करते हैं, शिरोधारा है, तमाम तरह की प्रोसेस हम करते हैं, बीपी नॉर्मल रहती है उससे, अच्छी अच्छी जगह मैंने देखा है पंचकर्म करा कर करके बीपी नॉर्मल रही है, और पेशेंट को ऐसा नहीं कि दवा खाने की जरूरत पड़ी हो। हमारे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसका हम यूज करते हैं और पेशेंट खाता हुआ रहता है और बीपी नॉर्मल है। मैं अपने बताऊँगा, मेरे माता पिता को बीपी उनकी बहुत ज़्यादा थी, मेरी मम्मी तो एक बार गिर भी गई, चोट भी हुआ लगे उनको, लेकिन फिर मैंने उनको आयुर्वेदिक दवाई पर शिफ्ट किया। आज केवल मैं मॉडर्न की मेडिसिन बन करके केवल उनको एक आयुर्वेदिक दवा देता हूँ, एस्टिकॉट आता है कोर्टिकल कंपनी का, और उसी पे उनकी बीपी नॉर्मल 110-70 ऐसे रहती है। आज एक साल हो गया उनको मॉडर्न दवाई छोड़े हुए, कोई शिकायत नहीं बीपी की। इसका बचाव का उपचार क्या है? आप अपने आप को मेंटेन करिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए, आप तनाव मुक्त जीवन रहिए, और उस तरह का भोजन न करिए
जो आपको नुकसान करता हो। आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन मत बनने दीजिए। आदमी ने कहा कि अम्लपित्त, अम्लपित्त का निर्माण नहीं होना चाहिए। अम्लपित्त का निर्माण नहीं होगा तो बीपी की शिकायत नहीं आएगी।